सिमरी प्रखंड के गाजीपुर पंचायत में जल जीवन हरियाली योजना के तहत अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका शिलान्यास शनिवार को सिमरी प्रखंड प्रमुख प्रियंका पाठक के हाथों किया गया। मौके पर गाजीपुर पंचायत के मुखिया इम्तियाज अंसारी, सचिव साबित रोहतास भी समेत विभिन्न पंचायतों के मुखिया भी मौजूद रहे। इस दौरान यह कहा गया कि यह पोखर आगामी 3 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पोखर के किनारे पार्क भी बनाने की योजना है, जिसके लिए पोखर की जमीन की मापी कराई जा रही है। मापी होने के पश्चात अतिक्रमण हटाकर पार्क का भी निर्माण कराया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस पोखर के निर्माण में किसी भी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण श्रमिक ही इस पोखर के निर्माण का कार्य संपन्न कराएंगे। स्थानीय मुखिया इम्तियाज अंसारी ने बताया कि यहां गांव के तकरीबन 100 श्रमिकों को इस कार्य में रोजगार मिलेगा। पोखरा को उद्घाटन किया जा रहा है अमृत सरोवर, और ये हमारे मुखिया इम्तियाज अंसारी कराया जा रहा है। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि ये काम सक्सेस हो और बहुत आगे जाए, और ये मुखिया जब चुने गए हैं तो गांव का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। मैं इनका हर वक्त और हर समय इनका मैं ऐसे ही साथ देती रहूँगी। गाँव के विकास में आप बतौर ब्लॉक प्रमुख सिमरी किस तरह का सहयोग करने जा रही हैं इस बार? जहाँ तक सहयोग बनेगा मैं वहाँ तक करूँगी जी। आपका परिचय? सिमरी ब्लॉक प्रमुख प्रियंका पाठक। धन्यवाद। अमृत सरोवर का उद्घाटन कराया गया, कौन कौन से लोग आए और कब से ये कार्य जो है शुरू हो जाएगा? जी, ये कार्य सोमवार से शुरू हो जाएगा और मैं इस उद्घाटन में हमारे प्रखंड प्रमुख प्रियंका पाठक जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और हमेशा आभारी भी रहूँगा कि मेरे एक बुलावे पे वो यहाँ पे आई और हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं वार्ड सदस्य भी रहा हूँ तो उस समय भी इनका साथ हमको मिला है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं जब मुखिया हूँ और इस पंचायत का दारोमदार मेरे ऊपर है विकास का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ ये रहेंगी और रही हैं। शुभारम्भ जी, इससे पहले 2 निजी पोखरा की कटाई हुआ है और ये तीसरा योजना। इस योजना का लाभ 100% मानिए आमजनों को लाभ होगा, चूँकि मेरा ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें मैं आगे पार्क का भी इसको रूप दूंगा, क्योंकि ये पोखरा जो है 2 एकड़ 4 डिसमिल का है, और मैं मापी के लिए सीओ साहब को बोलूँगा या लिख के दूंगा और मापी कराकर जो भी अतिक्रमण है उसको खाली कराऊंगा। खाली कराने के बाद पार्क वगैरह का भी यहाँ पर मेरा स्लोगन भी आपने पढ़ा होगा कि मशीन का उपयोग नहीं करना है और ना ही ठेकेदार इसमें रहेंगे, तो ये हमेशा मैं ध्यान रखूँगा और इसके खिलाफ मैं हमेशा लड़ता रहा हूँ। पिछले वार्ड सदस्य मैं 5 साल रहा हूँ, 2016 से 2021 तक, तो मैं लड़ता रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, जिनकी सोच अच्छी है और जिन्होंने जल जीवन हरियाली के तहत या माननीय प्रधानमंत्री की ख्वाहिशों के एहतराम के तहत इस प्रोग्राम का, पहले हम आपको डिफाइन कर दें, एक शायर होने के नाते सचिव के साथ मैं शायर हूँ, आप जानते हैं कि अमृत सरोवर, अमृत उसे कहते हैं जो पी ले तो आदमी मरता नहीं है, और सरोवर तालाब को कहते हैं। तो ये जो सपना है सरकार की, इस चीज़ को हमारे गाजीपुर के मौजूदा मुखिया के द्वारा साकार करने की कोशिश की जा रही है। अब इसका चूंकि ये लोग उद्घाटन कह रहे हैं, हमारी समझ से ये शिलान्यास है, उद्घाटन तो तब होगा कि सारे सपने को पूरे साकार किया जाए, इसका सौंदर्यीकरण हो। अभी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर से हम लोग गुलशन यानी फुलवारी वगैरह भी बनाएंगे, इसके घाट मेड़ बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ के आम जनता को भी, यहाँ के चिड़िया चुड़ुन को भी, जानवर को भी, माने सारे लोगों को इस पानी का इंतजाम रहेगा। अमृत का मतलब कि उसे पाकीज़ा और पवित्र भी होना चाहिए, ताकि किसी प्यासे का मन करे तो उस अमृत रूपी इस सरोवर के पानी को पीकर भी निहाल हो जाए। ये सपना है, और मैं 2.5 साल अभी नौकरी में हूँ, अगर मैं यहाँ रह गया तो अपने मुखिया के कदम के साथ कदम मिलाकर इसे और खूबसूरत और अमृत का डिफिनेशन करने की कोशिश करूँगा। मैं जब सचिव हूँ, इम्तियाज अंसारी मुखिया हैं, तो अब जब अमृत सरोवर का नाम हो गया तो आपको 3 महीना के बाद यह सूखा हुआ नहीं मिलेगा। वादा जी, वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।